चौथ की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भगत थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाकर बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपनों में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब के तंग करे जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो, और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विधायक जी पोंछनी कर कर गए थे, वहाँ हीरों के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब हुआ कैसे? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विधायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चूंटी भर तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुंचू कहाँ? जेठानी बोली, मेरी ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे?
जिठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जिठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के बिंदायक जी से मदद की विनती करने लगी। बिंदायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ बिंदायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी दो सुई की भी पांती कर। इस प्रकार बिंदायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जिठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।